स्टार्टअप कैसे कर रहे हैं? नमस्कार, द फॉलोअप में आप सभी का बहुत स्वागत है। यह जो भीड़ आप देख रहे हैं, यह JPSC कार्यालय के बाहर छात्रों की भीड़ लगी है। आपको पता है कि जो 7वीं JPSC PT की परीक्षा हुई है, उस परीक्षा का जो परीक्षा फल आया है, और उसके बाद से ये विवाद शुरू हो गया है। छात्रों का कहना है कि इसमें भारी धांधली हुई है। आप ये तस्वीर देखकर समझ सकते हैं कि आखिर छात्रों में कितना आक्रोश है, और अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए यहाँ पर सुबह से JPSC के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह यहाँ पर जुटे हैं। हम छात्रों से बात करेंगे, और गोड्डा से जो विधायक अमित मंडल आए हैं उनसे भी बात करेंगे, और उनकी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चुनाव वाले पे क्या क्या बात हुई अमित मंडल जी? देखिए, अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं और युवाओं की बातों को हम लोगों ने सुना है, और युवाओं का यही मांग है कि या तो आप कट ऑफ लिस्ट जारी करें, या तो हम लोगों को ये एक्सप्लेनेशन दे कि सीरियल वाइज कैसे लोगों की नियुक्तियाँ का रिजल्ट प्रकाशन होकर उनको सफल घोषित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पूरा सिस्टम गलत तरीके में, गलत हाथों में है और कोलैप्स कर गया है। और इसी चीज़ों को लेते हुए हम लोगों ने बात करना है अभी चेयरमैन से और सेक्रेटरी से, और संभवतः मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात होगी, तो हम लोग इस चीज़ों को रखेंगे। इसी को सुनने के लिए, समझने के लिए यहाँ हम लोग आए हैं, और ये कोई नया मुद्दा नहीं है, ये पुराना मुद्दा है, और हम लोग बार बार विधानसभा के अंदर भी चीज़ों को रखे हैं कि गलत तरीके से JPSC कंडक्ट हो रहा है, जिसका आज परिणाम आपको दिख रहा है। और आने वाले दिन में मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी पेंडिंग रिजल्ट है, चाहे वो पंचायत सचिव का मुद्दा हो, उनको भी आपने 4-5 साल तक लटका के रखा है। अभी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया तो हिस्ट्री और सिविक्स वालों का रिजल्ट प्रकाशन हुआ है, वैसे ही पंचायत सचिव का अगर रिजल्ट पेंडिंग है तो उनको पिलर टू पोस्ट दौड़ाने से अच्छा है कि उनका रिजल्ट प्रकाशन करके नियुक्ति वर्ष जो आपने कहा है उसके अनुसार आप काम करें। आप अभी यहाँ पर आए हैं तो इन छात्रों के साथ कैसे हैं? आप आंदोलन में रहिएगा या अभी चेयरमैन? हम लोग, आपको याद है कि हम लोगों ने शुरू से ही, चाहे वो 13-11 जिला का मुद्दा हो, हम लोग उस समय अपने सरकार में थे, उसमें भी हम लोगों ने मुद्दा उठाया है। आज एक जेन्युइन मुद्दा है इनके पास, कि इनका कहना है कि मान लीजिए कि पीटी में इस तरह की धांधली होती है तो मेंस में क्या गारंटी है कि इस तरह की धांधली नहीं होगी। तो जब मेंस में भी इसी तरह की धांधली होगी तो जो जेन्युइन लोग हैं वो कहीं ना कहीं, उनको इसका जो सरकार ने कहा है कि हम नियुक्तियां देंगे, इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो युवाओं के मुद्दों को लेकर हम लोग खड़े हैं, आंदोलनरत हैं, और जहां गलत होगा तो अमित मंडल वहां उनकी आवाज़ को सही प्लेटफॉर्म में लगाएगा। अभी मुलाकात करने जा रहे हैं? नहीं, अभी तो क्योंकि ये लोगों का चल रहा है, और अभी ये सही समय नहीं होगा मुलाकात करने का, लेकिन हम लोग जल्द ही मुलाकात करके चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से तो हमारे साथ मनोज है जो छात्र नेता है, कई जो परीक्षाएं विवादों में रही उसका आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। मनोज जी, क्या लगता है इसमें क्या है पूरा मामला? सबसे पहले हमारा ये कहना है कि ये कैटेगरी वाइज जब रिजल्ट दिए तो कैटेगरी वाइज का कट ऑफ जारी करने में इनको क्या दिक्कत हो रहा है? आखिर में किसको पास किए आप? कितना नंबर पर पास किए? यहाँ 135 नंबर वाला फेल है और 98 नंबर वाला पास है, तो ये जो है कट ऑफ नहीं जारी करने के कारण हुआ। दूसरा बात, सीरियली जो है सब पास कर गया 33 को 35 को। आप बताइए, 1100 सेंटर था, 1100 सेंटर में एक सेंटर बता रहे हैं 10,000 तक का भी रहा है भीड़, वहां से एक भी नहीं पास कर रहा है, और एक सेंटर के एक रूम से सब तेज लड़का बैठ गया था और वह 3300 पास कर गया। अरे बोलते इतफाक एक सेंटर पर हो सकता है, 4-4 सेंटर पर इस प्रकार से हुआ है, और ये मास में था 33-35 को, इसलिए हम लोग पकड़ लिए। बहुत ऐसा सेंटर है जहां पर 4 को 5 को इस प्रकार से सेटिंग गेटिंग करके ये लोग पास किया है। और ये चीज को हमारा सीधा कहना है, इसका 20 साल से JPSC ये धांधली करता आ रहा है, आप बढ़िया से जानते हैं। पहला दूसरा JPSC का अभी CBI जांच चल रही है, चौथा JPSC में स्केलिंग आ गया, पांचवा JPSC में आरक्षण नहीं दिया, छठा JPSC में हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग को जोड़ दिया, सातवा JPSC में घर घर सेंटर बना के पास कर दिया। तो इसको पहले JPSC को भंग किया जाए और UPSC से परीक्षा कंडक्ट करवाया जाए, और सातवां JPSC को रद्द किया जाए और अंतर जिला सेंटर बनाया जाए। रांची को आप जमशेदपुर भेजिए, जमशेदपुर को
जो धनबाद भेजिए, धनबाद को हजारीबाग भेजिए और अंतर जिला, तभी फेयर होगा, नहीं तो सेटिंग गेटिंग करके सब लोग पास कर जाएगा। और यही चीज हुआ है, आपको बताते हैं, जिस स्कूल में पढ़ता था उसी में सेंटर पड़ गया, वहीं पर भाई भतीजावाद हो गया। ये लोग बोल रहे हैं कि ये महज संयोग है। संयोग एक सेंटर पर हो सकता है, मान लिए हम, और भारत के इतिहास में ऐसा संयोग खाली जेपीएससी में होता है। उत्तर प्रदेश में कहा हुआ, बिहार में कहा हुआ, यूपीएससी में कहा हुआ, कहीं भी एक जगह भी एक बैठा करके दिखा दीजिए सिंगल मात्र कमीशन में कि इस प्रकार से लोक सेवा आयोग में लगातार पास संयोग हुआ है, तो हम मान जाएंगे। खाली झप्पी जेपीएससी के पास में संयोग होता है ऐसा, और कहीं भी नहीं होता है। हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग को जोड़ दिया तो ये जेपीएससी में हुआ, और पूरे भारत में नहीं हुआ। ये स्केलिंग आया तो खाली झारखंड में हुआ, और कहीं भी नहीं हुआ। सीबीआई जांच चल रही है, कहीं भी जेपीएससी का कमीशन का जांच नहीं होता। लेकिन ये सबसे पहले माननीय उच्च न्यायालय से हम अनुरोध करेंगे कि 20 साल से लड़के झेल रहे हैं झारखंड में, और आपके पास में हजारों केस पड़े हुए होंगे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में, आप जेपीएससी को भंग करिए, यूपीएससी से परीक्षा कंडक्ट करवाइए, और साथ में जेपीएससी को रद्द करिए। अमिताभ चौधरी जो नया अध्यक्ष बने तो बहुत उम्मीदें जगी थी, तो क्या लग रहा है कि इनके आने के बाद कुछ सुधरा? देखिए, उम्मीद का जगेगा, पॉलिटिकल आदमी को बना दीजिएगा, वहां पर बिल्ली को दूध का रखवाली के लिए भेज दीजिएगा तो नहीं पिएगा। पॉलिटिकल आदमी रहेगा तो उसको कोई उससे हेल्प किया होगा राजनीति में, तो उन लोगों को वो नहीं वहाँ अपना पास कराएगा। देखिए, जेपीएससी एक निष्पक्ष संस्था है, इसमें निष्पक्ष लोग यदि आएंगे तभी हम लोग जेन्युइन लड़के हो। आप बताइए, यूपीएससी भी होता है ना, केंद्र का लोक सेवा आयोग जो है वो आपको वो जा करके पता करिए कि वहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल आदमी उसका अध्यक्ष और सदस्य नहीं बनता है, यहाँ काहे बन जाता है? ये पॉलिटिकल आदमी को नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष व्यक्ति को होना चाहिए, फेयर व्यक्ति को होना चाहिए, तभी जेपीएससी में फेयर होगा, भाई भतीजावाद नहीं होगा। आपको बताते हैं, इसके पहले भी अध्यक्ष जेल जा चुके हैं, इसके पहले भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे नेता मंत्री के भाई भतीजा का नाम आया था, वो लोग भी जो उसमें पास किए हैं, वो लोगों पर कुछ भी जो है, हम न्यायालय से आग्रह करते हैं कि हम लोग कमजोर हैं, आप ही न्याय दीजिए और जेपीएससी को भंग कीजिए, यूपीएससी से परीक्षा कंडक्ट करवाइए। बिल्कुल, देखिए लगातार इनकी मांग चल रही है, और ये देखिए एक नज़ारा आपको दिखाते हैं, यहाँ रस्सी लगाकर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि छात्र जो है उग्र होकर जेपीएससी कार्यालय की तरफ नहीं जाएं, और ये आप देख सकते हैं कि छात्र यहाँ पर अब धरने पर बैठ गए हैं, और इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि, और हाथों में ये पोस्टर बैनर है जिस पर साफ लिखा है कि जेपीएससी को महान बनाओ, भ्रष्टाचार दूर भगाओ। आप देखिए, अलग अलग जगह से ये अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे हैं और धरने पर बैठे हैं। कहाँ से आप आए हैं? हम आए हैं धनबाद से। धनबाद से सिर्फ धरना देने के लिए? हाँ। क्यों? इतना बड़ा करप्शन हो रहा है, उसके हम साथ नहीं देंगे तो बहुत बड़ा ही अधर्म होगा। हाँ। आप एग्जाम दिए थे? यस, एग्जाम दिए थे, नहीं हो पाया। नहीं हो पाया तो इसीलिए आ गए? हाँ, इसीलिए यार, हम बेसिक करप्शन पे आए हैं, जो धांधली हो रहा है, बेईमानी हो रहा है, उसको हटाना चाहते हैं, उसको एग्जाम को रद्द करना चाहते हैं, इसीलिए आए हैं। तो देखिए, ये छात्र नेता मनोज जो है नेतृत्व कर रहे हैं, जो है हर हाल में बापू वाटिका में 11 बजे तो 11 बजे कितने बजे आइएगा? सबको बोलिए 11 बजे। देखिए, ये गोरखिया से गाय बेचता है, अध्यक्ष भाग गया और बोलते सचिव को, जो है सचिव बोलते हैं कि गलती हम स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रमाण आप दीजिए, बलात्कार आप किए और प्रमाण हमारा मांग रहे हैं। ये गलती स्वीकार कर रहे हैं और प्रमाण हमारा मांग रहे हैं। आप जो है हर हाल में कुछ नहीं होगा, जब तक जेपीएससी को भंग नहीं किया जाएगा तब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी। रद्द होगा तो रद्द, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हमका ये पूरा फट गया रे भाई, पूरा फट गया, अब रफू नहीं होगा, ये रद्द तो रद्द। कल 11 बजे आप लोग सारे लोग बापू वाटिका के पास पहुंचेंगे, और 4-5
आज को और लेते आइए, समझे ना। ये लगातार लड़ाई चलेगी, आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, ये रद्द करके आपको परीक्षा दिलवाएंगे तो दिलवाएंगे, चाहे तो जैसे भी हो, हम आपसे हम नेता नहीं है। एक सेकंड, क्या तय हुआ आज यहाँ आप लोग? बहुत दुख हुआ, बहुत ही दर्द हो रहा है हमको, ये हंसी आ रहा है। झारखंड में जीवन बर्बाद कर रहा है तमाम युवाओं को, लाखों लगे स्टूडेंट नाराज हैं। अभी हम लोगों ने हिमांशु शेखर जी थे वो सचिव जी से बात की, हम लोगों को प्रशासन ने कहा था कि अध्यक्ष साहब से मिलाएंगे, हम लोगों के साथ यहां पर खेला हो गया एक प्रकार से। हम लोगों को सचिव साहब से मिलाया गया, हम लोगों ने जो प्रमाण था इसको रद्द करने के लिए हम लोगों ने नहीं दिया है, लेकिन उनको सारी चीज़ों को एक एक करके बताया कि कटअप जारी नहीं किया गया है, पारदर्शिता नहीं है, इसको रद्द करना चाहिए, लगातार रोल नंबर वाले पास कर गए हैं तो बोल रहे हैं, वो बार बार डिनाई कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ सचिव साहब ने कहा है, हम लोगों ने जब बोला कि जेपीएससी को क्यों ना भंग कर दिया जाए, हम लोग सर इसके लिए भंग करने की हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड के युवाओं को भरोसा जेपीएससी से उड़ गया है। तो उन्होंने बोला कि ये झारखंड के युवाओं का दुर्भाग्य है और झारखंडियों के लिए, यदि और हम लोग के लिए यदि हम लोग सुधार नहीं पाएंगे तो ये हम लोगों की कमजोरी है। इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप में नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहा है कि युवाओं को हक अधिकार के लिए लड़ना होगा और लगातार लड़ना होगा और छात्र उल्गुणान करना होगा, तभी जेपीएससी में सुधार होगा, यही निष्कर्ष निकला है कल। अभी क्या अब कल आज आंदोलन स्थगित होगा, अब कल से होगा नहीं? हाँ, आज अभी हम लोग रणनीति बना ही रहे हैं, हो सकता है कि भूख हड़ताल में हम लोग काफी तादाद में करीब 10-20 स्टूडेंट, अभी 50 स्टूडेंट भूख हड़ताल में भी जाने का हम लोग अभी रणनीति ही बना रहे हैं, और अभी यहाँ बैठक करके हम लोग इसके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। तो मैडम आप लगातार नेतृत्व करते रही हैं, आज की जो यहाँ पर आप लोग जुटे यहाँ पर, क्या कुछ तय हुआ? तो यही हुआ है कि अभी अंदर जब हम लोग गए थे सेक्रेटरी से मिलने के लिए, उन्होंने ये कहा कि कट ऑफ मार्क्स वो जारी कराएंगे, बिना कट ऑफ मार्क्स के तो हम लोग, हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं बचेगा। पहला है कट ऑफ मार्क्स, वो बोले जारी करवाएंगे, दूसरा बोले जो भी एविडेंस है आप एविडेंस ला के दीजिए 2 दिन के अंदर, ठीक है, और अगर एविडेंस मिल जाता है तो इस पर कार्रवाई होगी और ये रद्द होगा, ये एग्जाम रद्द होगा। वो बोले ऐसा? ऐसा वो बोले नहीं है, ऐसा वो बोले नहीं है रिकॉर्ड में कि रद्द होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लाइए एविडेंस लाइए, हम लोग इस पे इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन हमारी डिमांड है कि ये एग्जाम रद्द कराना है, अगर एक रद्द नहीं होता है हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में जाएंगे। तो आप लोग क्या, आप लोगों के पास ऐसा कोई ठोस सबूत है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, 2 दिन में हम लोग सब इकट्ठा कर रहे हैं और जमा करेंगे, हमारे पास है। सुनने में आ रहा है कि कई ऐसे अभ्यर्थी भी पास हो गए हैं जो परीक्षा में बैठे भी नहीं थे। जी जी ऐसा भी है, तो वो सारा एविडेंस देना होगा ना, ये सिर्फ हवाई बात करने से नहीं होगा, वी हैव टू कम विद एविडेंस। तो मेरी यही गुजारिश है कि जिसके पास जो भी एविडेंस है एविडेंस लेके आइए, 2 दिन के अंदर यहाँ जो है हम लोग जमा करना है। 2 दिनों तक आपका ये आंदोलन स्थगित रहेगा, आप लोग एविडेंस जुटाइए? नहीं, हमारा तो स्थगित नहीं रहेगा, हम आज से ही बैठे हुए हैं यहाँ पर, आंदोलन चलेगा। हाँ, ये आंदोलन चलता रहेगा, और 2 दिन के बाद अगर बात नहीं मानी गई, रद्द नहीं हुआ एविडेंस देने के बावजूद, तो हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए अभी जेपीएससी के यही उनसे पूछ रहे हैं, राजनीति करने नहीं आया हूँ, लेकिन आपका जेन्युइन डिमांड है उसको हम लोग सही जगह पे रखने के लिए, इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ता के बाद भी सर, वार्ता के बाद भी वो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, जैसा मैंने कहा कि आप सोए को जगा सकते हैं, जो सोने का एक्टिंग कर रहा है उसको नहीं जगा, तो यही एक्टिंग चल रहा है तो उसको आप नहीं जगा सकते हैं, तो वार्ता का बहुत ज्यादा मतलब नहीं बनता है, लेकिन हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकार में हम लोग सही तरीके से बातों करें। भाजपा भी इनके समर्थन में? निश्चित तौर पर, मैं भाजपा का विधायक हूँ, मैं रहूंगा, युवाओं के हित की बात है उसको हम लोग रखेंगे, विपक्ष का विधायक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है, हर तरह से ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सरकार के विधायक अगर बात को नहीं रख पा रहे हैं तो विपक्ष का विधायक रखें। देखिए अलग अलग जगह से यहाँ पर छात्र जुटे हैं, और गुट्टा से बीजेपी के विधायक अमित मंडल यहाँ पर पहुँचे थे, और वो छात्रों को आश्वस्त कर रहे थे कि वो इनकी बात और इनकी मांग को लेकर वह जरूर जो है आगे पढ़ेंगे। हम लगातार ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जेपीएससी कार्यालय के बाहर से, आप देखिए किस तरह से, हाँ नहीं फेसबुक में, द फॉलो ऑफ के फेसबुक में आप ही आ रहे हैं आंदोलन में? हाँ आंदोलन में ही आ रहे हैं। आपका भी नहीं हुआ है? हाँ बिल्कुल नहीं हुआ है। क्या लगता है क्या हो गया? नहीं परीक्षा क्या होगा, ये तो आज लोकतंत्र की हत्या हुई है यहाँ पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के चेयरमैन है वो हम लोग से नहीं मिले हैं।
चेयरमैन नहीं मिले, नहीं मिल पाए, चेयर सचिव मिले और वो कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहे, वो अपनी गलती भी मान रहे हैं और दो दिन का अभी हम लोग को समय दिए कि हम लोग साक्ष्य लाएं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एग्जाम वहाँ से हुआ है, सब कुछ वहाँ से हुआ है, उनको सारा कुछ पता है। और एक बात और भी बताना चाहता हूँ, मेरा कहना है कि जब न्यूज में आ रहा है, डेली इतने सारे यूट्यूब चैनल में आ रहा है, अंधा भी ब्रेल लिपि से देख रहा है कि भाई क्या गलती हुई है, उसके बाद में यहाँ पर ये जेपीएससी के सचिव आईएएस कह रहे हैं कि हमें जो है कोई भी बात संज्ञान में नहीं, आप हमें एविडेंस दीजिए। ठीक है, उनका कहना अपने जगह पर सही है कि एविडेंस दीजिए, हम रद्द करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि भाई भतीजावाद जेपीएससी में खत्म हो और कोई भी जो है सदस्यता के रूप में किसी भी नेता मंत्री का कोई भी जानकार आदमी सदस्यता ग्रहण ना करे और जेपीएससी के चेयरमैन जैसे पद को दूषित ना करे। यहाँ पर लग रहा है कि इस परीक्षा में भाई भतीजावाद हुआ है, एकदम पूरा का पूरा नेपोटिज्म दिखाई दे रहा है। इतना अगर मान के चलिए, इतना कुछ होने के बावजूद अगर मामला संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है, इसका मतलब है कि नेपोटिज्म हुआ है। यहाँ तो आप देखते आ रहे हैं कि जब शिबू सोरेन के बेटे जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं वहाँ पर नेपोटिज्म है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता है? कहने का मतलब मेरा यही है कि हो सकता है कि वो अगर किसी साधारण परिवार से, जैसे हम लोग गरीब किसान के बेटे हैं, वैसे अगर वो अगर रहते तो हो सकता है वो वार्ड सदस्य या मुखिया भी नहीं जीत पाते, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो मेरा कहना यही है कि से आप हैं, बहुत गुस्सा है आपके अंदर? नहीं, गुस्सा मैं नहीं हूँ, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनके साथ गलत नहीं हो, कम से कम ऐसा नहीं हो कि साइंटिस्टों को रिसर्च करना पड़े कि भाई जेपीएससी का दाग कैसे धोया जाए। जेपीएससी का दाग कभी तो धुलेगा, हम लोग कब तक उम्मीद करें? मैं वो दिन याद करता हूँ जब 29 दिसंबर 2019 को शपथ ग्रहण समारोह था, यही हेमंत सोरेन का, तब मैं कार्ड दिखाता था दूसरे को, राज्यपाल के यहाँ से जो कार्ड रहता है मुझे दूसरे के थ्रू मिला था, मैं वो कार्ड को कम से कम 50 आदमी को दिखाया था कि देखो मैं शपथ ग्रहण में जा रहा हूँ, इस बार जो है नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन कहीं पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ, केवल निराशा ही हाथ लगा। इससे क्या सिद्ध होता है कि हम लोग गलत जगह पर वोट दे दिए। अभी कम से कम जो है कांग्रेस या कोई भी सरकार है, क्यों ये इतने राजनीतिक दबाव का महसूस करते हैं? ये सरकार का अभी जो 29 तारीख को 2 वर्ष पूरे होंगे, सरकार तो बोल रही है हम लगातार नियुक्ति दे रहे हैं, अभी फिर से नियुक्ति? हाँ, उनके लिए पता नहीं कहाँ पर नियुक्ति दे रहे हैं, वो हमें दिखाए ना किसको नियुक्ति दे रहे हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल नियुक्ति को नियुक्ति बोलते हैं या फिर किसी भी प्रकार का नियुक्ति को, वो वैध तो नहीं है। सरकारी नौकरी की बात करें ना, सरकारी नौकरी उन्होंने कितने पदों को दिया हुआ है, कौन कौन से पद में दिया हुआ है? तो सरकारी नौकरी की जहाँ तक बात है, तो यहाँ पे जितने भी छात्र हैं उनके मन में केवल और केवल असंतोष की भावना है और कुछ नहीं है। तो ये कब तक जेपीएससी सुधार करेगी? हम लोग जेपीएससी को चाहते हैं कि जेपीएससी को अन्य मौका नहीं मिले, इसलिए नहीं मिले कि 21 वर्ष तक हम लोग सेम बिल्ली को दूध पीने के लिए नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बिल्ली हर बार दूध पी जा रही है और हम लोग उसको सेफ रखना चाहते हैं कि दूध भाई सुरक्षित रखो। केवल और केवल हम लोगों के साथ गलती यही हो रही है कि सरकार, जो भी सरकार आती है, वो अपने हित के लिए अपने हित वाले आदमी को बैठा देती है सीट पर, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये बदलना बंद करे, ठीक है, मेरा कहना यही है कि बदलना बंद करे और सही लोगों को पद पे बिठाया जाए, जो कि कम से कम जैसे छत्तीसगढ़ या फिर बिहार को आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ और बिहार में आज देखिए कि तीन तीन एग्जाम रोटेशनली चलते रहता है, एक तरफ इंटरव्यू, एक तरफ मेंस और एक तरफ आपका जो है नोटिफिकेशन निकलता है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, बताइए ना भाई, क्या आईएएस का कमी है? क्या प्रशासनिक पदाधिकारी हैं ही, सारे तरह के लोकतंत्र में है ही व्यवस्था है, लेकिन पदाधिकारियों की कमी जरूर है। अब आप देखेंगे कि छठा जेपीएससी जो लड़का पास किया है उनको 5-5 पद मिले हुए हैं, 3-3 पद मिले हुए, 2-2 पद के पदभार में है। तो बताइए क्यों 2-2 पद के पदभार में है? वो कहीं ना कहीं हमारे हक को वो ओवरलैप कर रहे हैं। अगर मान के चलिए कि अगर हमारी नियुक्ति अगर हो जाती है तो वो 2 पद क्यों धारण करेंगे, 3-4 पद क्यों धारण करेंगे? अगर आपकी बात जो है सुन रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो क्या बोलना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी को यही मैं कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को हम लोग बहुत विश्वास करके जिताए हैं, युवा नेता हैं, वो हम लोगों की मांग को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से रखें और हो सके तो अगर वो जेपीएससी कराने में अगर सक्षम नहीं है तो जेपीएससी को डिसॉल्व कर दें, भंग कर दें और
संघ लोक सेवा आयोग को मौका दें जिससे कि सरकार की पारदर्शिता जो है और एक विश्वास बना रहे और आगे आने वाले समय में हम लोग जबरदस्त तरीके से वोट देके फिर से मुख्यमंत्री जी को जिताएंगे। ये हमारा देखिए जेपीएससी से विश्वास उठ गया है और यही वजह है कि इतनी भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि युवा यहाँ पर जुटे हैं और वह लगातार मांग कर रहे हैं कि जो जेपीएससी की जो तमाम परीक्षाएं हैं वो यूपीएससी से कंडक्ट कराया जाए। आप लोग भी आए हैं इसी परीक्षा का? जी बिल्कुल, देखिए हम लोग एक सफल अभ्यर्थी हैं और मेरी सिलेक्शन हुई भी है, शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। आप पंचायत 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 हम दोनों हैं, पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं लेकिन जेपीएससी का ही परीक्षा में पीटी में कंप्लीट किए हैं। जी बिल्कुल, मेरा देखिए इसलिए आए हैं क्योंकि लगातार जो है गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही है, सेंटर पे जो है लगातार जो है आपका रिजल्ट देखने को मिला है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये हम लोग भी आशंकित हैं कि आगे वाले आने वाले मेंस में भी कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। इसके तरीका से हम लोग आए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इन लोगों कि बिल्कुल जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसकी जांच हो और दोबारा जो है वो दोबारा रिजल्ट गठित की जाए ताकि जो जेन्युइन जो बच्चे मेहनत किए हैं उनकी कटअप को कम हो और जो बंदे मेहनत किए हैं जो पीटी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी किए हैं उनका रिजल्ट हो पाए और वो जो मेंस का जो एग्जामिनेशन हो बिल्कुल फेयर तरीका से हो, इसको लेकर के हम लोग जो है वो इस जो है आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि आप पंचायत सचिव पास किए उसमें नहीं हो पा रहा है, अब इधर पास किए तो इसमें विवाद शुरू हो गया। बिल्कुल, देखिए पंचायत सचिव का एग्जाम हम लोग जो है 2018 में ही पास किए हैं लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई थी। हम लोग जो है वो जेपीएससी के मेंस जो है पीटी में भी शॉर्टलिस्टेड हुए हैं और तैयारी करने के बजाय हम लोग आंदोलन में भाग ले रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि हम लोग को डर है कि कहीं मेंस के एग्जामिनेशन में भी इस प्रकार की गड़बड़ियां ना हो जाए और इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं फेयर तरीका से फिर से दोबारा जो है वो परीक्षा फल गठित हो और जो लगातार सीरियल जो नंबर से बच्चे पास हुए हैं उनकी जाँच हो, उनकी कैंडिडेचर रद्द हो और जो मेहनत करने वाले जो जेन्युइन बच्चे हैं उनका रिजल्ट जो है आ सके। ये भैया जैसे बोल रहे हैं कि एग्जाम का जो परीक्षा फल सीरियल वाइज आया हुआ है ये रद्द हो, हम चाहते हैं कि जांच नहीं होना है, एग्जाम मने रद्द तो रद्द, वो में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा क्योंकि अगर अभी पीटी में इस तरह कंप्रोमाइज हो गया तो मेंस में तो चोरी चलवे करते रहे बाबा, कतनो पढ़ के भी चोरी होवे करता। अभी एग्जाम दिए? हाँ, हम लोग पास कैंडिडेट, हम लोग दोनों वहाँ। अच्छा आप पास हैं? जी हम लोग पास है लेकिन इतना कन्फर्म है कि जब पीटी में इस तरह का हो गया है तो मेंस में तो गया काम से। सचिवालय में डायरेक्ट आपका मेंस होगा और अभी पास है? जी हम लोग तो पास होने के बाद भी आप लोग को डर लग रहा है कि इसमें हो? हम लोग तो सिर्फ सपोर्ट के लिए कि एग्जाम फेयर तरीका से हो क्योंकि अभी जो लोहरदगा लातेहार साहेबगंज या फिर कहीं चतरा उतरा से भी जो भी अभी फाइट आ रहा है कि चोरी हुआ है या गलत मैंने असंवैधानिक तरीके से कोई मोबाइल लेके घुसा या जैसे भी जिस तरह का हमें पता नहीं लेकिन जो सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं कि अनियमितता बरती गई है। तो यहाँ प्रिंसिपल का बेटा पास कर जा रहा है, ओकर मौसा का बेटा पास करके लो बाबा, ये अब कहा होता हो? ये में सबसे बड़ा बात है कि एक खत्म रद्द मने रद्द, जेपीएससी मने एक चीज दिमाग में आ रहा है कि रद्द तो रद्द और हमें कुछ नहीं चाह रहे हैं। क्या है कि सबसे इसका भविष्य का सबसे बड़ा कारण है कि अभी सचिवालय जेएससी सीजीएल आने वाला वन टायर एग्जाम है और उसमें भी लिख के दे रहा कि माल चलता रहे बाबा, ये रद्द ना हो तो माल चला ना हो, इसलिए जेपीएससी का बहिष्कार करके यूपीएससी को लाना होगा और नहीं तो फिर माल चलेगा, माल वाला का नौकरी होगा और जो रोड पर पढ़ के आया है वो छिलेगा। क्या क्या बोल रहे? मैं लगातार थर्ड जेपीएससी से इंटरव्यू देते आया हूँ सर, मैं लगातार थर्ड जेपीएससी से इंटरव्यू देते आया हूँ और इस बार हमारा दुर्भाग्य है कि हम पीटी पास नहीं कर पाए सर, हमने पीटी पास नहीं किया और ये हमारी दुर्भाग्य है कि हम पीटी पास नहीं कर पाए। हमने इस एग्जाम में 244 नंबर लाया और उसके बावजूद भी हम सफल नहीं हो पाए हैं, ये मेरा लास्ट चांस है और हम चाहते हैं, हम मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सर आप इस लास्ट अटेम्प्ट जो हमको मिला है उसको फेयर तरीके से हो, इसके लिए हम चाहते हैं कि किसी तरह से रद्द हो और रद्द करवाए मुख्यमंत्री साहब। हमने आपको बहुत विश्वास के साथ आपको बुलाया था लेकिन आप प्लीज इस पे विश्वास कीजिए। थैंक यू। लड़के हाथ जोड़ रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब कुछ ना कुछ संज्ञान लेंगे। अब देखिए पूरी तस्वीर देखिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पे हैं और किस तरीके से लोग अपने हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं। क्या कहेंगे पोस्टर हाथ में लेके?
देख सकते हैं सर कि एक सफल कैंडिडेट होने के बाद भी मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और सुबह से ही मैं यहाँ पे लगा हुआ हूँ क्योंकि जेपीएससी में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुआ है और इस भ्रष्टाचार को रोकना है तो तमाम युवाओं को एक होना पड़ेगा क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ कमीशन से नहीं है हमारी बल्कि अब ये लड़ाई सत्ता की हो गई है क्योंकि जितना भी सत्ता में बैठे मठाधीश हैं वो नहीं चाहते हैं कि झारखंड के युवाओं का भविष्य बने वो चाहते केवल यही है कि झारखंड के युवा अनपढ़ रहे बेरोजगार रहे ताकि आने वाले चुनाव में वो केवल हमारा झंडा को ढोएंगे। क्या है इस पोस्टर में क्या है खास जिसको लेकर के आप बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे युवा यूथ है यूथ अगेंस्ट करप्शन हम जितने भी यूथ हैं इस करप्शन का विरोध कर रहे हैं कि झारखंड में जो करप्शन बढ़ रहा है भाई भतीजावाद बढ़ रहा है नेपोटिज्म का जो खेल चल रहा है उसको हम पूरी तरह से खंडन करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा हक छीना जा रहा है। हम तमाम युवा यही मांग करते हैं कि हमारे लिए सरकार ने आखिर क्या किया है। सरकार इतना दिन आया हुआ हो गया 2 साल हो गया 29 दिसंबर को सरकार यहाँ पे अपना 2 वर्ष का कार्यकाल मनाने जा रही है तो किस खुशी मनाएगी वो सरकार ने कहा था कितना दुख की बात है कि बोलती है कि हमारे परिवार से किसी का नहीं होना चाहिए और वही हुआ है। हम उनके परिवार वाले हैं और हम में से किसी का नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनका यहाँ पे सफल परिणाम सामने नहीं आया है। राज्य में स्थापना दिवस था राज्य का स्थापना दिवस था उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री कुछ संज्ञान लेंगे। बिल्कुल उम्मीद था क्योंकि अभी भी उम्मीद है और उम्मीद यही था क्योंकि हम लोग हमेशा शुरू से उनको सन ऑफ सॉइल बोलते हैं सन ऑफ झारखंडी सॉइल लेकिन अब लगा कि वो झारखंडी सॉइल नहीं है बल्कि वो बाहरियों के हाथ में है और इसीलिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी आपको जो करना था वो आपने किया। अगर आगे अगर कुछ नहीं कीजिएगा तो अब जो युवाओं को करना है वो युवा करेंगे क्योंकि युवाओं ने ठान लिया है जहाँ सच ना चले वहाँ झूठ सही जहाँ हक ना मिले वहाँ लूट सही। बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता भी यहाँ पे मौजूद हो रहे हैं पहुँच रहे हैं क्या आपने उनसे सवाल किया जब आपका शासनकाल था तो उस वक्त तो आपने जेपीएससी का परीक्षा आयोजित नहीं कराया और कराया भी तो फिर नीति अधर्म लटकी रही। अब जो लोग आ रहे हैं तो आपसे क्या बातचीत कर रहे हैं और आपने उन्हें क्या कहा है? बिल्कुल वो आ रहे हैं और यही बात वो भी बोल रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। सवाल तो यहाँ पे भी कर रहे हैं कि जब आपका सत्ता था तो आपने भी हमारे साथ यही छल कपट किया है और वो आते भी आएंगे भी तो किस मुंह से वो आएंगे क्योंकि पिछला बार उन्होंने झारखंड को लूटा है और ये आपस में आपसी लूट मची हुई है। सीएमएम और बीजेपी को बोलते हैं कि एक साल तुम एक कार्यकाल तुम लूटो एक कार्यकाल हम लूटेंगे और ये यहाँ पे नेपोटिज्म का खेल चलते चलते देख सकते हैं कि किस तरह से आयोग में तमाम ऐसे ऐसे आला लोगों को बैठाया गया है जो पूरी तरह से राजनीतिक गलियारे से संबंध रखते हैं। ठीक है भाई साहब क्या कहना भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? एक बात सुनिए हमारे भारतीय संविधान में 315 से 322 में संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में लिखा हुआ है यही संवैधानिक संस्था है कि मैं ईश्वर से शपथ लेता हूँ कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ न्याय करूंगा यही संवैधानिक संस्था बोला था। और आज एक संवैधानिक संस्था होने के नाते एक जिम्मेदारी होने के नाते आज ओपन क्यों नहीं होता है? सरकार ऐसे नहीं चलती है। अगर कोई संस्था में काम करता है तो उसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कर्तव्य लेना पड़ेगा उसको जिम्मेदारी लेना होगा। एक पुलिस प्रशासन का क्या कर्तव्य होता है? एक टीचर का क्या कर्तव्य होता है? एक आयोग के अध्यक्ष का क्या कर्तव्य होता है? आज क्यों ओपन नहीं हो रहा है? इतना लोग आज आंदोलनरत है लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी है उस पर सामने में आपके सामने भी क्यों नहीं बोल पाते हैं? ऐसा नहीं होता है। अगर अधिकारी बनना है तो सामने आना होगा पब्लिक के सामने आना होगा ऐसा करना होगा। हमें ऐसा अधिकारियों की आवश्यकता है हमें ऐसा अधिकारी ये तमाम अच्छे अधिकारी है और जो बुरे अधिकारी है वो आयोग के सामने बैठा हुआ है। हमें ऐसा अधिकारी की हमें जरूरी नहीं है हमें साफ सुथरे अधिकारियों की आवश्यकता है। आप जानते हैं पहला जेपीएससी से लेकर आज तक घोटाला के नाम से प्रसिद्ध है ऐसा जेपीएससी नहीं चलेगा। हमें साफ सुथरा आयोग के अध्यक्ष सचिव
सारे हम लोग को एकदम साफ सुथरा आदमी चाहिए, हमें गलत आदमी नहीं चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी अंदर से ये हम लोग को जानकारी मिला है कि वो लोग बोल रहा है कि आप लोग हम लोग को एविडेंस दीजिए, प्रूफ दीजिए। हम स्टूडेंट प्रूफ कहाँ से लाएंगे? क्या हम लोग एग्जाम हॉल में हम लोग वहाँ मोबाइल लेके गए थे क्या? या हमें पता है कि ये कैमरा जो है वह सीसीटीवी कैमरा जो एग्जाम हॉल में लगा हुआ है ये ऑन है या ऑफ है? हम लोग कहाँ से प्रूफ देंगे? अगर वो जेपीएससी अगर बोल रहा है कि जो चार जिला में जो सीरियल वाइज पास हुआ है स्टूडेंट, अगर वो बोल रहा है कि ये सहयोग है, तो वो हम लोग को प्रूफ दे कि ये वाकई में सहयोग है। हम लोग कोई प्रूफ नहीं देंगे। हम लोग क्यों प्रूफ देंगे? हम लोग स्टूडेंट ईमानदारी से एग्जाम दिए। अगर वो लोग अगर वाकई में अगर ईमानदार है तो वो लोग हम लोग को प्रूफ दे कि वो लोग ईमानदारी से पाए। ठीक है, विधानसभा में लगातार सवाल होता है कि भाई जो सत्र होता है उस सत्र को ये लोग बर्बाद कर देता है पॉलिटिकल पार्टी वाले। वहाँ खूब नाच होता है, खूब गाना होता है, भजन कीर्तन होता है। लगता है कि अगले विधानसभा के सत्र में आपके जो मुख्य सवाल होंगे उस पर कुछ काम हो पाएगा? जेपीएससी का विवाद जो है उसे थमेगा? इसमें देखिए, आप जो बोल रहे हैं उसी पक्ष को मैं रखना चाहूंगा कि यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम और जो मंदिर और मस्जिद वाली बात होती है वो इसलिए होती है कि 5 साल का कार्यकाल में टाइम पास कैसे हो, जो आपके और मेरे मुद्दे हैं और जो छात्रों के मुद्दे हैं उनसे भटकाया कैसे जाए। मान के चलिए वहाँ पर मंदिर बना के भजन कीर्तन करने लगे या मस्जिद बना के वहाँ पर मान के चलिए नमाज अदायगी करने लगे, तो इसमें क्या होगा कि हमारा तो लैप्स होगा। भाई किसानों को क्या चाहिए, छात्रों को क्या चाहिए, उस मुद्दे पर तो कोई नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? उसमें जान रहा है कि भाई उसमें मेरा बजट का लॉस होगा, झूठ मूठ का बजट जो है लोकेट कर देना है कि 11,000 करोड़ मिला ग्रामीण विकास विभाग को, ऊर्जा को मिला 7,500 करोड़ मिला, इतना मिला। करोड़ का बंगला बन रहा है मंत्रियों का, क्या कहेंगे? उसी पे बैठ के तो वो लोग तय करते हैं कि जेपीएससी का परीक्षा इस बार होगा कि नहीं, क्या कहेंगे? देखिए बात ऐसा है कि ये तो वो लोगों का अंदरूनी मामला है और वो लोग का तो कह सकते हैं कि पांचों जो उंगली है वो घी में है और दोनों हाथ में लड्डू है, तो वो लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। हम लोगों का देखिए अभी तक सब नेता सब मंत्री जान रहा है कि हम लोगों के बीच में क्या हो रहा है, सब YouTube पर देख रहा है। भाई बताओ क्या हो रहा है, अपने नौकर से बोल रहे हैं, अपने स्टाफ से बोल रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है जेपीएससी में बताओ, सब कुछ उन लोगों को पता में है, लेकिन कोई भी संज्ञान में लेके इस पे कोई भी पक्ष नहीं रखेगा। यही अगर विपक्ष में अगर पार्टी अगर रहती तो फिर यहाँ पर नुमाइंदे अपने आप आ जाते कि नहीं यहाँ पर हम खड़े हैं जैसे मुख्यमंत्री जी खड़े होते थे हमेशा। लेकिन यहाँ पर आगे प्रश्न पूछे मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या उम्मीद है कि अब कुछ, चूंकि विकल्प आप लोग के पास बहुत कम है, चूंकि मेंस का जो फॉर्म है उसके फिलअप का डेट बहुत नजदीक आ गया है, लगता है कि सरकार कुछ इस पर संज्ञान लेगी, कुछ कार्रवाई हो पाएगी? देखिए सरकार जो है इसमें लिपापोती के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है कि लिपापोती कर देना है। और जैसा कि सरकार में शुरू से आदत है कि कोई कुछ भी अगर करता है तो जांच एक उनके लिए डिक्शनरी में सबसे टॉप लेवल का वर्ड है जिसको वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं कि जांच उसमें बैठा दो। जांच बैठाने के बाद में रिजल्ट क्या आएगा सबों को पता है कि जांच में रिजल्ट वही ढाक के 3 पात आने हैं। अब उसमें क्या होगा कि हम लोगों का जो समय है वो हम लोगों का समय व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए हमेशा मैं डिमांड कर रहा हूँ कि जेपीएससी को अब अन्य मौका नहीं मिले और ये डिसॉल्व हो और संघ लोक सेवा आयोग को मौका मिले, जिससे कि मान के चलिए कि झारखंड की एक छवि जो है राष्ट्र में देश में छवि जो है वो साफ सुथरी छवि प्रकाश में आए। और यहाँ केवल खनिज संपदा के नाम पर लूट तो पहले आदमी जब बिहार से अलग करना था तब झारखंड आंदोलनकारी हमेशा से कहते थे कि बिहार के लोग खनिज संसाधन को लूट रहे हैं। आप भी जानते हैं कि यही हमेशा झारखंड आंदोलनकारी इस बात को कहते थे कि बिहार के लोग लूट रहे हैं। लेकिन आज मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि बिहार रहता तो ज्यादा अच्छा था। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए बिहार रहता तो आज बिहार में मुझे कम से कम रांची छोड़ के मुझे आगे तो नहीं जाना पड़ता। अभी मैं अगर बीपीएससी पास कर जाता हूँ तो मुझे ये राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन उस समय तो मैं स्टेट के अंदर में ही कम से कम जिला छोड़ के मैं ड्यूटी कर सकता था। लेकिन अब मेरे पास समस्या बहुत ज्यादा, किसी भी छात्र के पास में यही समस्या है कि अगर जेपीएससी अगर नहीं सुधरती है कोई भी, देखिए मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ कि जेपीएससी को कोई सुधार नहीं सकता है। और अंतिम वाक्य यही बोल के रखूंगा कि मेरा एक मित्र हमेशा से बोलता है कि जेपीएससी में या तो भ्रष्ट लोग आते हैं या फिर आने के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि यहाँ पर आने के बाद, जेपीएससी संस्थान में आने के बाद या तो लोग भ्रष्ट हो जाते हैं या फिर भ्रष्ट लोग ही आते हैं जेपीएससी में। तो ये जेपीएससी को सुधारने के लिए नासा में भेजना पड़ेगा कि किस प्रकार से नासा जो है रिसर्च करे और कोई केमिकल का आविष्कार करे जिससे कि इसका दाग धुल जाए।
मुझे तो नहीं लगता है कि इंडियन साइंटिस्ट जो है काम करेंगे, लेकिन मुझे भरोसा है कि 80% 70% साइंटिस्ट जो है नासा में भी वो इंडियन ही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हो सकता है 20% रेस्ट जो अंग्रेजन है वो कर दे आविष्कार जिससे दाग धुल जाए। तो मेरा प्रयास रहेगा कि दाग धुलने में आप लोग भी सहयोग करें, जिससे कि जेपीएससी हम लोग छात्र को ही बदनाम नहीं कर रही है बल्कि पूरे स्टेट बदनाम होती है। छत्तीसगढ़ अभी देखिए 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुई है, लेकिन कितना साफ सुथरा एग्जाम होता है छत्तीसगढ़ में, ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से एग्जाम वहाँ पर होती है, ठीक है। और बिहार में तो कहना ही नहीं है, मतलब 3 एक साथ में रोटेशनल चलता है, एक तरफ इंटरव्यू, एक तरफ मेंस का फाइनल, एक तरफ नोटिफिकेशन भी जो है नेक्स्ट ईयर का निकल जाता है, ठीक है। तो भाई साहब आप भी कुछ कह रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जेपीएससी के अधिकारियों को ये पता है कि कुछ गलतियाँ हुई हैं और हमारे डेलीगेशन के सामने वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा यही जेपीएससी के अधिकारियों का कहना, और वो हमसे ये कहते हैं कि आप एविडेंस लेके आइए फिर हम रिजल्ट रद्द करेंगे। तो आप किस लिए बैठे हैं? क्या ये हम अभ्यर्थियों का काम है कि हम एविडेंस लेके आएं? आप किस लिए बैठे हैं? ऐसे ऐसे आईएएस अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सरकार से और मीडिया से और जेपीएससी से ये आग्रह कर रहा हूँ कि आपको जो जानकारी है उस पर त्वरित कार्रवाई करें और कार्रवाई के बाद रिजल्ट को रद्द करें और पुनः एग्जाम लें या रिजल्ट लें, ये आपकी ऊपर जिम्मेवारी बनती है, हम स्टूडेंट के ऊपर नहीं। थैंक यू। ये सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पत्रकारों का भी एक जमावड़ा है जो लगातार जेपीएससी को कवर कर रहे हैं, फॉलो अप सेशन निशारद भी हैं जो लगातार इसे कवर करने की कोशिश में हैं, और भी तमाम लोग हैं जो लगातार इस जेपीएससी के अभ्यर्थियों के इस दर्द में शामिल हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम तस्वीर हमारे साथ, जेपीएससी दफ्तर के बाहर जिस तरीके से लोग खड़े हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आप देखिए कि आंदोलन के दरमियान पानी की कई बोतलें खप गईं, कई लोग हैं जिनके कंठ सूख चुके हैं और जो लोग फिर भी बाइट दे रहे हैं, जो बातें अपनी कह रहे हैं, ताकि ये कम से कम राजकीय पटल तक ये बात लोगों तक जाए पहुंचे कि किस तरीके से झारखंड में गड़बड़ियाँ हुई हैं जेपीएससी परीक्षा में। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ मौजूद हैं, पुलिसकर्मी भी हैं, ताकि कोई अराजकता की स्थिति ना बने। देखकर तो नहीं लगता कि कुछ ऐसी अराजक स्थिति पैदा होगी, क्योंकि जिस तरीके से जिस शांतिगत तरीके से लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं वाकई काबिल तारीफ है। अभी थोड़ी ही देर पहले गोड्डा से विधायक अमित मंडल आए थे, उन्होंने भी यहाँ से लोगों के दर्द को समझा है और ये बात कही है कि विधानसभा में अगले सत्र में जेपीएससी के मुद्दे को भी हम उठाएंगे। आप देखिए किस तरीके से लोग, आप लोग भी जेपीएससी अभ्यर्थी हैं क्या? जी, हम लोग सब जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं। क्या लग रहा है, आंदोलन तो बड़ा होता जा रहा है, हर रोज आंदोलन एक रूप लेता जा रहा है, अब आंदोलन में कई लोग शरीक हो रहे हैं, उम्मीद है कि आगे कोई बात बन पाएगी? बात बनने की उम्मीद से ही आंदोलन को शुरू किया गया है, तो उम्मीद है कि आगे बात बढ़े और हम लोग की जो मांग है कि जेपीएससी के पीटी का जो परीक्षा है इसको पूरी तरह से रद्द किया जाए, और दूसरा हमारा कोई मांग नहीं है। जिस हिसाब से 3 सेंटर पे लगातार एक ही कमरे से कई अभ्यर्थी पास हुए हैं, तो आज तक भारत में किसी भी सर्विस कमीशन में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा आज तक संयोग नहीं बन पाया है कि एक ही रूम से एक ही सेंटर से इतने सारे लोग पास हो रहे हैं। लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी को अब निरस्त कर देना चाहिए, यूपीएससी जो एक बॉडी है उसी के तहत अब यहाँ पे परीक्षा आयोजित करनी चाहिए थी। आपको क्या लग रहा है कि ये मांग बहुत वाजिब है या सरकार इस मांग को मानेगी? देखिए, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो तो जो जेपीएससी में जो कमेटी है उस कमेटी को फिर से उन लोग पुनर्गठित करें, अच्छे लोगों को लाएँ और फिर से अच्छी तरीके से जेपीएससी करवाएँ, लेकिन ये जेपीएससी जो हुआ है इसको पूरी तरह से रद्द किया जाए, ठीक है। आप देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पुलिसकर्मी बड़ी मात्रा में हैं, बड़ी तादाद में हैं, और कुछ ऐसी घटनाएं ना घटे जिसके लिए यहाँ पे जिप्सी है, पीसीआर वैन लगी हुई है, पुलिसकर्मी हैं और जेपीएससी जो अभ्यर्थी हैं उनसे लगातार बातचीत भी हो रही है, रस्सी के माध्यम से उनको रोकने की कोशिश है, ताकि बैरिकेटिंग की गई है, एक सिम्बोलिक बैरिकेटिंग आप कह सकते हैं कि देखिए किस तरीके से जो झारखंड पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। और ये सारी तस्वीर है, शाम का वक्त है और शाम के बाद अब लग रहा है कि आंदोलन एक नए रुख पर, एक नई सीढ़ियाँ चढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि कई सारे लोग आज यहाँ पर आए हैं आंदोलन में, कई लोग हैं जो अलग अलग ज़िलों से आए हैं, अलग अलग प्रखंडों से आए हैं, कई लोग हैं जो उम्मीद कर रहे हैं और उसी उम्मीद के साथ वे यहाँ पर आए हैं, राजधानी रांची में आए हैं अपने खर्च के साथ।
बहुत वाजिब सा गुस्सा है ये, और ये गुस्सा उस वक्त बहुत लाजिम हो जाता है जब ये बेरोजगार हों और अपनी बेरोजगारी से मुठभेड़ करते हुए लगातार परीक्षाएं दे रहे हों, लेकिन परीक्षा में भी इनको सफलता नहीं मिल रही है, बस इसलिए क्योंकि इनके साथ घोटाले हो रहे हैं। अब घोटाले की वानगी है, ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोग बैठे हैं बाहर बैठकर, ये तस्वीर आप देखिए। लगातार कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्हें आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप पहचान गए होंगे, वे लगातार मुखर होकर जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं ये बड़ी बात है। जिस तरीके से लोग आज यहाँ बैठे हैं, कितनी उम्मीदें हैं और कितना कुछ है इसको लेकर के तो हम बातचीत करेंगे ही। ये देखिए, ये आंदोलन की बैठक है क्या? सेंट्रल कमेटी की बैठक की तरह लग रही है, कुछ बात बन रही है क्या? कुछ बात नहीं बन रही है, जबकि हम लोग यहाँ पर स्पष्ट बोले हैं कि जब तक हमारा चेयरमैन से बात नहीं होता है तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर यदि यहाँ से हम लोग चले भी जाएंगे तो क्या होता है कि ये लोग जो है, हम लोग अगर मोराबादी, हम इन लोग को बातों को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन मोराबादी जाएंगे तो वो कल हमको मुख्यमंत्री के घेराव में आने नहीं देंगे। ठीक है, कुछ लोग लगातार मोराबादी में, कुछ लोग रुके रहे और कुछ लोग यहाँ पे जेपीएससी के विभाग के बाहर सामने खड़े हुए, बाहर आगे बैरिकेडिंग कर दी गई है, मतलब जिस तरीके से लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई है इस आंदोलन को, क्या कहेंगे इसमें? तोड़ने की कोशिश जरूर हुई है लेकिन हम टूटेंगे नहीं। ये जमात आप देख रहे हैं, ये इसी बात का संकेत है कि आप जितनी भी कोशिशें कर लें, हम टूटने वाले नहीं हैं, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जब तक हम इस एग्जाम को रद्द नहीं कराएंगे हम नहीं हटेंगे। प्रारंभिक तौर पे जिस तरीके से लोग नहीं जुट पा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत दो चार लोगों का ही एक मसला है जेपीएससी को लेकर के, लेकिन अब लगातार भीड़ बढ़ रही है, भीड़ में इजाफा हो रहा है और अब लग रहा है कि एक बृहत्तर रूप लेने वाला है जेपीएससी, मतलब जेपीएससी का आंदोलन, क्या कहेंगे इस पे? क्या लग रहा है लोगों का समर्थन मिल रहा है? ये हमारी जीत की ओर इशारा है, ये जो भीड़ है ये इसी बात का संकेत देती है कि डेफिनेटली हमारी जीत होगी, बस थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है, थोड़ा धैर्य बनाए रखना है और डेफिनेटली आप देखिएगा जीत हमारे नाम होगी। अच्छा, किसी भी आंदोलन को लेकर एक बहुत सजग बातचीत होती है, जैसे शाहीन बाग में एक आंदोलन शुरू हुआ और फिर जिस तरीके से उसको नामांकन कर दिया गया कि ये मुसलमानों का एक अड्डा है, आतंकवादियों का एक अड्डा है, क्या आपको भी लगता है कि झारखंड सरकार भी आप लोगों के आंदोलन को इस तरीके से खारिज करके कुछ नामांकन कर देगी क्या? तो नामांकन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो तो जो चाहे वो बोल सकते हैं, वो हो सकता है बोल दे आतंकवादी है, हो सकता है कुछ और बोल दे, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है हमें? हमें सबको सच्चाई पता है कि यहाँ पे जितने लोग हैं सब अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, सारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, सब एक जॉब की डिमांड करते हैं, फेयर सिलेक्शन की डिमांड करते हैं, इससे ज्यादा हमारा कोई डिमांड नहीं है। ये सभी उन बेरोजगारों की तस्वीर है जिसे कम से कम झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री के तस्वीर को हटाकर लगा देनी चाहिए, ताकि मुख्यमंत्री भी जब बैठे तो देखें कि तस्वीर कितनी भयावह है कि उसके राज्य के लड़के जो दिन भर एनसीईआरटी की किताबों में लगे रहते हैं इस उम्मीद से कि कुछ हो जाए, पर कुछ होता नहीं है। ये वही तस्वीर है जिसके तरफ कोई राजनीतिक पार्टियां देखना नहीं चाहती, या वही तस्वीर है जिसकी बैठक में लगातार अब विपक्षी दल के लोग आने लगे हैं। सवाल ये भी है कि जब विपक्षी दल का सत्ता था, जब विपक्षी दल कुर्सी पर मैदान हुए बैठे थे, तब उस दौरान वो कुर्सी पर बैठकर फैसला नहीं ले पाए कि जेपीएससी की परीक्षा होनी चाहिए या नहीं। छठी की जेपीएससी की परीक्षा हुई और नियुक्ति आज भी अधर में लटका हुआ है। लगातार लोग जिस तरीके से आज यहाँ पर जुटे हैं वो वाकई गांधी की उस आंदोलन की तस्वीर की तरह दिखती है, जहाँ शांति गत तरीके से लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। आप देख रहे थे द फॉलोअप, में हूँ आपके साथ आकाश, और आप देखते रहिए द फॉलोअप। शुक्रिया।